हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ TYBMS SAM6 इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो कि क्वेश्चन पेपर है 2023 विद सॉल्यूशन देखने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हो। इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 था, इसको मैंने अपलोड कर दिया हुआ है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपके जितने भी पार्ट है सब आपको मिल जाएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ए बी और सी डी ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है वो देखो। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि अ फॉर्म सॉरी हाँ अ फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस फाइंड आउट द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, जो कि 8 मार्क्स के लिए पूछा है। आपको सिर्फ इतना बताना है प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, इसको समझते हैं, फिर हम उसके आंसर पे आते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर पी ठीक है ऑफ मुंबई सेल 15 एयर कंडीशनर टू मिस्टर क्यू ऑन पुणे फॉर डिलीवरी एट मिस्टर क्यू प्लेस ऑफ बिजनेस एट पुणे। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझ गया है। मिस्टर ए कौन है? सेलर है जो सेल कर रहा है एयर कंडीशनर टू मिस्टर क्यू को। ठीक है, और मिस्टर क्यू रहता कहाँ है बेसिकली, उसका यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिस्टर क्यू प्लेस ऑफ बिजनेस एट पुणे। तो यहाँ पे मिस्टर पी क्या करेगा, मिस्टर क्यू को पुणे में एयर कंडीशनर सप्लाई करेगा बेसिकली। तो इसमें इसका प्लेस एंड ऑर्डर देखो। हाँ देखिए, फर्स्ट का क्या है, फर्स्ट का जो आंसर आएगा प्लेस ऑफ ऑर्डर मैं ऊपर लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, ले तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे बनेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई ये बनेगा आपका पुणे में। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर ये होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, समझ गए सब लोग यहाँ पे। फिर नेक्स्ट थिंग यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आते हैं, मिस्टर प्रीतेश लोकेटेड एट पुणे प्लेस एन ऑर्डर टू मिस्टर की रन ऑन पू ऑफ पुणे फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एट हिज फैक्ट्री इन मद्रास। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं अभी। तो यहाँ पे क्वेश्चन तो सबको समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या है बेसिकली। तो इसमें आपको क्या देखना है, प्लेस ऑफ सप्लाई देखना है, सिर्फ आपको क्या बताना है प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टर प्रीतेश है जो लोकेटेड है पुणे में, ठीक है, और ये प्लेस एन ऑर्डर कर रहा है टू मिस्टर किरण को पुणे में। ठीक है, और इंस्टॉलेशन करने के लिए यहाँ पे इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी के लिए बेसिकली यहाँ पे पूरा ट्रांजेक्शन दिया हुआ है। और ये जो फैक्ट्री है ये कहाँ पे, मद्रास में, कहाँ पे ये, मद्रास में। तो इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे बनेगा इसका, मद्रास बनेगा। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट थिंग अभी हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है वो देखो, मिस्टर नितेश परचेस फूड पैकेट इन द ट्रेन अहमदाबाद वेयर एज ट्रेन इज रनिंग फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। फूड पैकेट वर लोडेड इन द ट्रेन इन मुंबई। तो बेसिकली आप समझ गए यहाँ पे, मिस्टर नितेश है देखिए जिसने फूड पैकेट परचेस किया था अहमदाबाद में, और जो ट्रेन है वो मुंबई से दिल्ली चालू है, मतलब जा रही है। तो इसमें जो फूड लोडेड किया गया है ट्रेन के अंदर वो कहाँ पे किया गया, मुंबई में। तो इसको आपको बताना है कि इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा। तो इसका आंसर देखते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई इसका बनेगा मुंबई बनेगा। ठीक है, कहाँ बनेगा, मुंबई, क्योंकि जहाँ से लोड किया गया है वहीं से आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर अश्विनी ऑफ पंजाब प्लेस एन ऑर्डर टू मिस्टर अनमोल ऑफ मुंबई फॉर डिलीवरी सर्टन गुड्स। मिस्टर अश्विनी डायरेक्ट मिस्टर अनमोल टू डिलीवर गुड्स टू मिस्टर राहुल इन इंदौर। तो अभी देखो इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्वमेंट है, एक जो प्लेस एन ऑर्डर दे रहा है मिस्टर अश्विनी, ठीक है ये ऑर्डर दे रहा है बेसिकली, और मिस्टर अनमोल कौन है यहाँ पे, सप्लायर से जो गुड्स को डिलीवर कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग यहाँ पे मिस्टर राहुल है जो इंदौर में है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है बेसिकली यहाँ पे कि ये मिस्टर अश्विनी को डिलीवर करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा ये देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, पंजाब, क्योंकि ये पंजाब में सप्लायर जो कि मिस्टर अश्विन यहाँ पे पंजाब में है। ठीक है, तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन था ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको करना है, जो कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन थे, तो आपको यही 4 आंसर देने हैं यहाँ पे बस। ठीक है, इसका आपका पेपर सोल्यूशन मिल जाएगा, तो आप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां पे जाके इसको देख सकते हो आप पूरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का भी आपको पूरा PDF में सोल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3B पे। तो 3B यहाँ पे दे सकते हो क्या कि मैंने मिस क्वेश्चन नंबर 3B, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई
द फॉलोइंग केसेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अज्यूमिंग टैक्स पेबल ऑन द रिजर्व चार्ज मैकेनिज्म एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द सप्लाई ऑफ अ सर्विस अंडर द आरसीएम। ठीक है, आरसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व चार्जेस मैकेनिज्म्स। और जो कि ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बताना है आपको, सिर्फ डिटरमाइन करना है टाइम ऑफ सप्लाई। अब दैट इज में आपको यहाँ पे आपको सिर्फ टाइम ऑफ सप्लाई बताना है। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, सीरियल नंबर गिवन है, डेट ऑफ पेमेंट रिसिपिएंट फ्रॉम द सप्लाई ऑफ सर्विस, यानी कि यहाँ पे पेमेंट कब कब किया गया है वो दिया गया है, और इशू ऑफ इनवॉइस कब का दिया है, बस इसके बारे में बताया। तो आपको टाइम ऑफ सप्लाई बताना है। तो हम क्या करेंगे ना, पहले ये जो कॉलम्स है ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं। लेकिन याद रखिए इसका जो सोल्यूशन है ना वो आपको ध्यान देने की जरूरत है, बहुत ईजी है। ठीक है, पहले हम सोल्यूशन को इधर पे कॉपी कर लेते हैं। चलिए 1 सेकेंड। अच्छा, तो यहाँ पे मैं सोल्यूशन को कॉपी कर लिया पूरा। अब इसके अंदर देखो क्या करना है, पहला जो आना चाहिए वो होना चाहिए अपना इशू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर सर्विस। ठीक है, ये पहला आना चाहिए, फर्स्ट कॉलम ये आना चाहिए। तो फर्स्ट कॉलम पे हम लोग वो करते हैं। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट। फिर सेकंड क्या आना चाहिए आपके पास, जब जब हमने पेमेंट किया हुआ है। ठीक है, ये आएगा अपना, मतलब आपको ये फर्स्ट देना है। ठीक है, फिर सेकंड पे ये करना है आपको, ये वाला पार्ट, ये सेकंड रहेगा। ठीक है, ये कर दिया आपने। फिर इसमें और दो कॉलम आपको ऐड करना पड़ेगा। चलिए इसको दो कॉलम और ऐड कर लेते हैं। दो कॉलम में अभी क्या क्या करना है आपको देखना है। एक तो आपको टाइम ऑफ सप्लाई करना है इसके अंदर, याद रखिए। हाँ, एक क्या करना है आपको, टाइम ऑफ सप्लाई, तो यहाँ पे, और एक करना है आपको 60 डेज, 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस। मतलब यहाँ पे 60 डेज का टाइम भी है, देख सकते हो। यहाँ पे कितना डेज का टाइम है, 10th अगस्त से लेके 29 जून तक का, देख सकते हो। यहाँ पे सब जून का यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे भी आपको अगस्त और जून का दिया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो 60 डेज होता है पूरा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 60 डेज जा रहा है। ठीक है, तो ये 60 डेज। और जो सेकेंड कॉलम बनाएंगे इसमें होगा अपना टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, चलिए अब करना क्या इसके अंदर वो देखते हैं बेसिकली। तो 60 डेज दैट इज में आप 60 डेज कैसे निकालते हैं हम लोग वो देखते हैं। ये जब से आपका डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस है, ठीक है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, इसमें 60 डेज ऐड करते हो, क्या करोगे, इसमें 60 डेज ऐड करते रहोगे तो कितना आएगा, इसमें 60 डेज ऐड करेंगे तो फर्स्ट जो आएगा वो होगा 28, ठीक है, अगस्त 2022, क्योंकि इधर 29 जून की है। तो 60 डेज मतलब 2 महीना होता है, तो जून के आगे जाओ जून, ठीक है, फिर जुलाई अगस्त, अगस्त 29 होता है, अगर 31 भी आता है तो, 31 नहीं आएगा तो 28 लेंगे हम। ठीक है, फिर यहाँ पे आओ फर्स्ट जून से अगर हम जाएंगे यहाँ पे तो काउंट कर लेना इसको, तो 1 अगस्त लेंगे यहाँ पे हम लोग, 1 अगस्त 2022। ठीक है, 60 डेज, 60 दिन पूरा कंसिडर करना है आपको। 29 जून दिया हुआ है यहाँ पे, तो अगेन यहाँ पे कितना आएगा, 28 डेज, सॉरी 28th of August 2022। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 1 जून दिया है, तो दैट इज में से यहाँ पे फर्स्ट, ठीक है, 1 अगस्त 2022। ठीक है, फिर 29 दिया हुआ है, तो सेम आएगा यहाँ पे 28 अगस्त 2022। फिर यहाँ पे 27 जुलाई की बने, 27 जुलाई से 2 महीना गया, जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर आएंगे 9 मंथ आएगा ना, तो यहाँ पे 22 दिया हुआ है ना अभी, तो कितना आएगा अभी 22। तो जुलाई में 22 मतलब क्या कर लेंगे, 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, 10 दिन ऐसे हो जाते हैं 31 तक अगर जाएंगे। ठीक है, 22 से काउंट किया, ठीक है, तो 10 दिन ऐसे हो गए आपके। और फिर और कितना चाहिए अपने को, 10 प्लस 20 और ले लेंगे। ठीक है, 10 प्लस 20 मतलब कि 20 अगस्त तक, फिर 20 अगस्त से फिर 30 दिन और आगे जाते हैं हम लोग, तो दैट इज मीन्स 20, ठीक है, 20 काउंट कर लेना आपको बराबर, 20 सितंबर 2022 ये आया अभी काउंट करके। अब टाइम ऑफ सप्लाई देखते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई में क्या करना है आपको, ये डेट ऑफ पेमेंट देखना है आपको, और ये 60 डेज देखना है। ठीक है, इसमें से अर्लियर, ठीक है, पहला
कौन सा डेट आता है, फर्स्ट कौन सा डेट आएगा वो अपर टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो 10 अगस्त लिखा हुआ है, 10 अगस्त 2022, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 28 अगस्त, तो पहला कौन सा आता है, 10 अगस्त आता है कि 28, तो 10 अगस्त आता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, 10 अगस्त यहाँ पे दिया हुआ है और एक यहाँ पे दिया हुआ है 1 अगस्त, तो 1 अगस्त पहले आता है, इसका आंसर 1 अगस्त हो गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो 30 जून है, ठीक है, और फिर 28 अगस्त है, तो पहला क्या आता है, 30 जून आता है। फिर नेक्स्ट है 28 अगस्त है और 1 अगस्त है, तो पहला क्या आएगा, 1 अगस्त आएगा, ये लिख दिया। 26 जून है यहाँ पे और फिर क्या है, 28 अगस्त है, पहला कौन सा आएगा यहाँ पे, 28, सॉरी 26 जून आएगा। ठीक है, फिर क्या है अपने पास, 17 जून है, ठीक है, या तो पहला 17 जून आएगा या 20 सितंबर आएगा, तो ऑब्वियसली 17 जून आएगा पहला। ठीक है, तो ये इसका पूरा आंसर हो गया, जो कि ये आपके एग्जाम में 7 मार्क्स के लिए पूछा गया था, सिर्फ आपको TOS बताना था, यानी कि टाइम ऑफ सप्लाई। आई होप क्लास की ये आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ वो देखते हैं। फर्स्ट वन, मिस्टर विक्रांत रोना सप्लाई गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम बैंगलोर, ही स्टेट दैट ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अंडर द GST लॉ, कंप्यूट द एग्रीगेट टर्नओवर्स एंड एडवाइज वेदर ही इज लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड, और ही फर्निश द फॉलोइंग डिटेल्स अंडर। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ है थर्ड का थी, ये 8 मार्क्स के लिए है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो मिस्टर विक्रांत रोना है, ठीक है, वो रजिस्टर होगा कि नहीं होगा अंडर द GST लॉ के या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ से आपको क्वेश्चन में क्या किया मैंने वो देखो, आपको यहाँ पे डेट ऑफ सप्लाई दिया हुआ है, टैक्स ऑफ रेट दिया हुआ है, और इसमें अमाउंट भी दिया हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, फर्स्ट जो गिवन है वो 5,10,000 है, और सेकेंड जो गिवन है वो 2,30,000 है। ठीक है, और जो थर्ड वन है वो 1,70,000 है। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट वन है वो है 2 लाख का। ठीक है, और यहाँ पे टैक्स रेट दिया हुआ है और यहाँ पे डेट ऑफ सप्लाई दिया हुआ है। अब इसमें दो कंडीशन और दिया हुआ है, बी क्या लिखा हुआ है, एग्जेम्प्टेड सप्लाई टू द एक्सटेंट ऑफ ₹90,000 वर मेड इन द बैंगलोर, बैंगलोर में है तो उसको 90,000 का यहाँ पे एग्जेम्प्टेड दिया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, मिस्टर विक्रांत रोना सप्लाई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वर्थ ₹90,000 दैट वॉज कल्टिवेटेड एग्स बाय द मिस्टर पाठक, टू हुम वेजेस ऑफ ₹1,000 पर एनम, सॉरी पर मंथ, ठीक है, वर पेड, यहाँ पे पेड वर्ड है, पेड एंड वॉज सुपरवाइज बाय द मिस्टर विक्रांत रोनास वाइफ। ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन याद रखो कि जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड कुछ भी कॉन्सेप्ट आएगा एग्रीकल्चर, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट होता है या एग्रीकल्चर के कोई भी पार्ट होते हैं उस पर टैक्स नहीं अप्लाइड होता है। ठीक है, वो टैक्स फ्री होता है। तो और यहाँ पे नेक्स्ट थिंग ये भी है कि आपका जो एग्रीगेट टर्नओवर है, ठीक है, वो 40 लाख के ऊपर होना चाहिए, तब आप जाके GST लॉ के अंडर आओगे और रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी बन जाएगा। ठीक है, अगर 40 लाख के मतलब उससे ज्यादा अमाउंट नहीं होता है, 40 लाख से कम अमाउंट होता है, तो फिर आपका फिर GST जो GST लॉ है उसके अकॉर्डिंग आपको रजिस्ट्रेशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, मतलब याद रखिए 40 लाख के ऊपर आपका होना चाहिए। ठीक है, अगर 40 लाख के ऊपर नहीं है तो दैट इज मीन्स फिर आपको रजिस्ट्रेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो अब इस क्वेश्चन को कैसा सॉल्व करना है ये देख लेते हैं, क्योंकि कंडीशन मैंने आपको बता दिया 40 लाख होना चाहिए, एग्रीकल्चर का कुछ भी पार्ट हुआ, कोई भी कॉन्सेप्ट हुआ एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो वो काउंट नहीं किया जाएगा। तो अभी क्या कहते हैं, इसमें हम लोग कॉलम बनाएंगे, एक सीरियल नंबर बनाएंगे, देखिए, और पर्टिकुलर आएगा, अमाउंट आएगा। ठीक है, तो इसमें कितने कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे डेट ऑफ सप्लाई देख रहे हो, यहाँ पे डेट ऑफ सप्लाई, ये जो डेट ऑफ सप्लाई दिया हुआ है ये किसके बेसिस पे दिया हुआ है, ये इंट्रा स्टेट सप्लाई के बेसिस पे गिवन है, तो यहाँ पे हम लोग कॉपी कर लेते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक है, फर्स्ट वन, तो इसमें फर्स्ट क्या आएगा, इंटर स्टेट सप्लाई, और ये कितना दिया हुआ है, कितनी बार किया इसने, टोटल 4 टाइम किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो टोटल 4 टाइम किया हुआ है, तो इंटर स्टेट सप्लाई इसको कॉपी करते हैं हम लोग, 4 टाइम पूरा कॉपी करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, आपको भी ऐसे ही करना है। ठीक है, ये कॉपी कर लिया, और इसका अमाउंट लिखो यहाँ पे, अमाउंट यहाँ पे देखो, ये जो अमाउंट है ना
5,10,000, फिर 2,30,000, 1,70,000 है, 2 लाख, ठीक है। ये पूरा यहाँ पे आपको एज इट इज कॉपी कर देना है। अब नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे जो आपको एग्जेम्प्टेड दिया था सप्लाई, ये भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। एग्जेम्प्टेड सप्लाई, तो यहाँ पे हम लोग 5th में एग्जेम्प्टेड सप्लाई लिख लेते हैं। इसका अमाउंट कितना है, 90,000। तो यहाँ पे 90,000 कॉपी कर लिया, ठीक है। यहाँ पे अपना सीरियल लिख लो, हो गया। और नेक्स्ट जो सी पार्ट था, इसमें आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से रिगार्डिंग दिया था, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट क्या रहेगा आपका, एग्जेम्प्टेड रहेगा, यहाँ पे ये पूरा काउंट नहीं होगा, ओके। तो अब इतना ही था इसके अंदर, अब हम इसको टोटल कर लेते हैं क्लास, ठीक है। तो टोटल कितना आएगा इसमें, 12 लाख आएगा। कितना आएगा इसका टोटल, 12 लाख, हो गया। तो अपना कंडीशन क्या था कि ये जो मिस्टर कौन है यहाँ पे, मिस्टर विक्रांत रूना, ठीक है। तो यहाँ पे 40 लाख तक का अगर कुछ होगा तो ये जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसको रजिस्टर करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं करेगा तो चलेगा। तो इसके लिए स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस द एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड रुपीज, यहाँ पे देख सकते हो 40 लाख होना चाहिए मिस्टर विक्रांत रोना के लिए, तो ये नहीं है, कम से कम 12 लाख ही है उसका, तो इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर अंडर द जीएसटी, क्लियर। बस इतने ही करना है आपको, और ये हो गया आपका कितना, 8 मार्क्स का क्वेश्चन, समझो। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत ही इजी है, ज्यादा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ज्यादा कैलकुलेशन की भी नीड नहीं है। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3rd का डी पार्ट, जो कि 7 मार्क्स के लिए यहाँ पे, ओके क्लास। तो अभी हम मूव ऑन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3rd का डी पार्ट। इसमें क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। आपको यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करना है, और क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इन द फॉलोइंग केसेस अज्यूमिंग द जीएसटी इज पेबल ऑन द रिजर्व चार्जेस मैकेनिज्म्स बेसिस, ठीक है, और राइट डाउन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू टाइम ऑफ सप्लाई ऑन आरसीएम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आरसीएम ही, सॉरी आरओएस निकालना है, यानी टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है, लेकिन आरसीएम के बेसिस पे निकालना है। तो इसके पहले भी जो हमने क्वेश्चन किया था, देखिए उसमें भी था ये, है ना, उसमें भी हमने टाइम ऑफ सप्लाई निकाला था, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्या क्या करना है इसके अंदर देखते हैं, पहले गिवेन क्या है, तो फर्स्ट आपको गिवेन है डेट ऑफ रिसिप्ट गिवेन है ऑफ गुड्स, और डेट ऑफ पेमेंट गिवेन है रिसिप्ट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, और डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। ये सब आपको यहाँ पे गिवेन है। तो जैसे मैंने कहा था, पहले क्या आता है अपना, इनवॉइस आता है, ठीक है। तो पहला क्या आएगा आपका, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर साइड, फिर आएगा आपका डेट ऑफ पेमेंट, सॉरी फिर आएगा आपका डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, फिर डेट ऑफ पेमेंट आएगा, ठीक है। पहले इनवॉइस बनेगा, ठीक है, फिर रिसिप्ट होगा, फिर पेमेंट होगा, ठीक है। ये अपना सीरीज होता है पूरा, इस तरीके से आपको करना है। तो अब क्या करना पड़ेगा, ये पूरा कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं पहले, तो फर्स्ट वन मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। क्या ये पूरे क्वेश्चन में ऐसे ही करना होता है, आपको सिर्फ कॉपी करना होता है, बस इतना याद रखिए। पहला आपका इनवॉइस आता है, जब आप अपने पेपर में लिखोगे तो पहले याद रखना, तो क्या लिखोगे, इनवॉइस लिखोगे। तो मैं इनवॉइस यहाँ पे कर देता हूँ, चलो ये हो गया इनवॉइस, मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे डेट ऑफ इनवॉइस हो गया, फिर डेट ऑफ रिसीप हो गया, डेट ऑफ पेमेंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे आ चुके हैं अपने। अब अपने को क्या करते हैं, इसके बाद 2 कॉलम और ऐड करना है, एक तो अपना टाइम ऑफ सप्लाई सॉर्ट होगा और एक अपना यहाँ पे वो डेज का आता है, पहला इसके पहले जो किया था वो 60 डेज के अकॉर्डिंग किया था, ठीक है। अभी हम करेंगे यहाँ पे 30 डेज के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 29 जून है, और यहाँ पे 1 जुलाई दिया हुआ है, फिर इसके बाद 10th ऑफ अगस्त दिया हुआ है, ठीक है। अगर सब में टाइम ड्यूरेशन मंथ के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो एक एक महीने का टाइम है, ठीक है, ड्यूरेशन एक एक मंथ का है, ठीक है। तो 30 डेज का है इसमें, तो अभी हम क्या करेंगे, तो 30 डेज का लेंगे इसके अंदर हम लोग, तो यहाँ पे लिखते हैं अभी 30 डेज फ्रॉम इनवॉइस, ठीक है, 30 डेज फ्रॉम इनवॉइस, फिर अपना लास्ट क्या आएगा, टी ओ एस टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है, ये आएगा इसमें। तो अभी हम क्या कहते हैं, 30 डेज फ्रॉम द इनवॉइस लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये आपका ये इनवॉइस है, ठीक है, इनवॉइस से 30 डेज जाना है आपको, ठीक
अगर यहाँ पे देखेंगे 29 है, ठीक है, अगर 29 से 30 डेज जाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, 29th of July आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका, जुलाई आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेम इसी तरीके से आपको करना है, फिर नेक्स्ट कितना गिवन है, सेम गिवन है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपका वही आ जाएगा 29 जुलाई आ जाएगा, ठीक है। फिर अगेन देख सकते हो यहाँ पे भी 29 जुलाई आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1st जून दिया हुआ है, तो 1st जून दिया हुआ है तो दैट इज मीन्स यहाँ पे तो 1st जुलाई आ जाएगा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1st जुलाई, 1st जुलाई 2022। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, 29th जून दिया हुआ है, तो यहाँ पे 29 जुलाई आ जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखो कितना दिया हुआ है, 29th जून दिया हुआ है, तो अगेन यहाँ पे 29 जुलाई आ जाएगा, ठीक है। आप काउंट कर सकते हो, 30 डेज काउंट करना है आपको, ठीक है, एग्जैक्ट जो 30 डेज पे डेट रुकेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद टाइम ऑफ सप्लाई में क्या करना है, ये तीनों देखना है आपको, डेट ऑफ रिसिप्ट देखना है, डेट ऑफ पेमेंट देखना है, और 30 डेज देखना है कि इसमें से पहला टाइम कौन सा है, मतलब जल्दी, मतलब पहला कौन सा डेट आता है, ठीक है, जो पहले आएगा उसको लिखना है यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर। अभी इसमें 1st जुलाई दिया हुआ है, देख सकते हो ये जो फर्स्ट कॉलम है, तो इसमें क्या है आपका 1st जुलाई, 1st जुलाई, फिर 1st अगस्त, सॉरी 10th अगस्त, फिर 29th ऑफ जुलाई, तो क्या पहला क्या आता है इसमें, 1st जुलाई आएगा, ठीक है, क्या आएगा इसमें, 1st जुलाई, क्लियर। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो 1st जुलाई दिया हुआ है, फिर 25th ऑफ जून दिया हुआ है यहाँ पे, फिर 29 जुलाई दिया हुआ है, तो पहला क्या आता है, जून आता है, तो जून का डेट यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ देखो 1st जुलाई दिया हुआ है, ठीक है, फिर इसके बाद 30 जुलाई दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, फिर इसके बाद 29 जुलाई दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें फर्स्ट वन क्या आएगा, 1st जुलाई, ठीक है, अपना टाइम ऑफ सप्लाई में 1st जुलाई आएगा, क्लियर। नेक्स्ट 5th जुलाई दिया हुआ है, फिर 28 जून दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और 1st जुलाई दिया हुआ है, तो पहला कौन सा डेट आता है इसमें, 28 जून आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखो 1st जुलाई दिया हुआ है, और इसमें आपको दिया हुआ है 26 जून, फिर 29 जुलाई, तो फर्स्ट क्या आएगा इसमें, 26 जून, ठीक है, ये हो गया इसके अंदर। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 1st जुलाई है, 1st अगस्त है, और 29th ऑफ जुलाई है, तो इसमें पहला क्या आएगा, 1st जुलाई आएगा, ठीक है, तो इसमें हम कॉपी करते हैं 1st जुलाई को, तो ये हो गया आपका टाइम ऑफ सप्लाई। तो बस इतना ही करना था आपको इस सम्स के अंदर, आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ गया। क्वेश्चन नंबर 3A, 3B, 3C और 3D, ये तीनों में, ये चारों क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, आई होप कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4th को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।